बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंद कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार जो सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज दी कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। काट काट व्यापक सतगुरु जिम आकाश सब माहे सो जान इस पेव को कृपा दृष्ट है जाहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी हर एक घट दे विच इस तरीके दे नाल व्यापक ने जिवें कि हर एक जगह दे उत्ते आकाश रमिया होया हुंदा है। सो जाने इस भेव को कृपा दृष्ट है जाहे। पर कवि जी ये भी लिखते ने कि इस भेद नूं उही मनुख जान सकते ने जिन्हां दे उत्ते मेर दी नजर होवे। एक दिन देग सथल गोर गए सिख सरब ही संगी पाए। एक दिन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी प्रशादा छकन दे वास्ते लंगर दे विच पहुंचे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल होर भी बहुत सारे सिख सेवक लंगर दे विच पहुंचे। लवण बहीन योग राखायव पानी पान कीन त्रिप तायव। रोज दी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बगैर लून तो जड़ा ओगरा सी जड़ा दलिया सी उसनू छकिया इस तों बाद पानी पीता इस तरीके दे नाल तृप्त होए। खट रस को आहार शुभ पांती सत संगत अच व्यो कर पांती। इस तों इलावा छे रसां दे जिहड़े आहार सन अनेक प्रकार दे उह सारी दी सारी संगत ने पांत दे विच बैठ के पाव के पंगत दे विच बैठ के छके। सूखम योदन पायस कनी सरपी सिता स्वाद सो सनी। लंगर दे विच की कुछ बनिया होया सी उस गल दा जिक्र करदे ने कवि जी। कहिंदे ने कि बड़े बरीक चौलां दी जिहड़ी खीर है उह तैयार सी। इस तों इलावा घिओ ते खंड स्वादमई रला के रखे होए सन। अनेक पांत की सूप बनाई डाल मसाले स्वाद रसाई। अनेकां ही तरीकियां दे नाल जिहड़ी रसोई है जिहड़ा लंगर है उसनूं तैयार कीता गया सी। अनेकां प्रकार दे मसाले पा के दाले ते भाजे बने होए सन। इस तरीके दे नाल लंगर तैयार सी। गो तुम झूंड सो फुलका करे मृदल पातरे बहु कर तरे। गो तुम कहिंदे ने कणक नूं कहिंदे ने कि कणक दे आटे दे जिहड़े फुलके ने उह पकाए गए सन भाव के नरम ते बहुत पतले तैयार करके रखी जा रहे सन।
इते आद के शुभ होत आहारा, पेख कर बुढ़े बाक उचारा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल बहुत सोहना आहार तैयार होया सी। इस सारी रीत नू देख के बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नू एक अर्ज कीती। कहिंदे ने श्री सतगुरु जी परम कृपाल होत आहार अनेक रसाल। कहिंदे ने बाबा बुढ़ा जी हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी रोज ही लंगर दे विच अनेकां प्रकार दे रसीले जिहड़े पदार्थ ने ना वह तैयार हुंदे। सो सब संगत अचे सोचीन आप योग रा लवन बहीन। बाबा बुढ़ा जी कहिंदे ने मैं रोज ही देखदा हां कि अनेकां प्रकार दे जिहड़े पदार्थ तैयार हुंदे ने वह सारी संगत छकदी है, पर दूसरे पासे सच्चे पातशाह तुसी हमेशा ओगरा छकदे हो लूण तो बगैर। एह सिख आण के उचित न कोई तुम बिन अचे स्वाद रस पोई। बाबा बुढ़ा जी कहिंदे ने कि सिखां दे वास्ते इस तरह करना उचित नहीं है कि सिख जिहड़े सारे ने ओह ते स्वादमई रसदार भोजन सोहने छकन ते तुसी लूण तो बगैर ओगरा छको। ये लगदा नहीं कि सिखां नूं इस तरह करना चाहिए। जस तुम अचो चाहे कर चित में सो सिख अचे रीत ए हित में। कहिंदा है कि रीत ये चंगी है कि जो तुसी छकदे हो उही सारी संगत नूं छकना चाहिए। जेकर तुहाडी रुचि दलिया बगैर लूण तो खाण दी है ते सारे सिखां नूं भी वैसा ही दलिया खाना चाहिए। तुमरे बिना खाहे नहीं निके एव मनोरथ है मम हिय के। बाबा जी कहिंदे ने कि मेरे हिरदे दे विच ए मनोरथ है कि जेकर तुसी नहीं छकदे अनेकां प्रकार दे पदार्थ ते सिखां नूं भी नहीं छकना चाहिदा। तुमरे बिना खाहे नहीं निके तुहाडे तो बगैर ये चंगे पदार्थ सिखां नूं भी नहीं खाने चाहिए। बहुत दिन को मैं चाहत रहे हो आज सुनायो अवसर लहियो। बाबा बुढ़ा जी कहिंदे ने कि बड़े दिनां दा मैं इस गल नूं सोच रहा सां पर अज अवसर मिलिया है, अज मैनूं मौका मिलिया है, इस करके मैं तुहाडे चरणां दे विच ये अर्ज कीती। सुन प्रसन्न बुढ़े पर पए इस प्रकार कोई उत्तर दए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जदों बाबा बुढ़ा जी ने इस तरह की अर्ज कीती ते बाबा जी दे उत्ते प्रसन्न होए सतगुरु सच्चे पातशाह जी, ते फिर बाबा बुढ़ा जी नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने इस तरह उत्तर दिता। कहिंदे ने गुरमुख संगत अर मम माही भेद दोहन में जानो नाही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या हे बाबा जी जिहड़ी मेरी संगत गुरमुख है उहदे विच ते मेरे विच रता भी भेद नहीं, संगत ते मैं इको ही स्वरूप हाँ। मैं संगत के संग या भेद सुख ते सुखी खेद ते खेद। सतगुरां ने आख्या कि मैं संगत दे विच अभेद हाँ, भाव के मिलिया होया हाँ। कहिंदे ने जे संगत सुखी हुंदी है ते मैं भी सुखी हुन्ना, जेकर संगत नूं किसे प्रकार दा दुख हुंदा है पीड़ा हुंदी है ते मैनूं भी खेद पहुंचदा है, मैनूं भी दुख लगदा है पीड़ पहुंचदी। जो संगत रुच करत आहारा सो मुझ पहुंचे स्वादल सारा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने बाबा जी तुसी ये ना समझो कि जे स्वादमई पकवान संगत छकदी है ते ओ मेरे कोल नहीं पहुंचदे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जिहड़ा रुचि दे नाल पकवान छकदी है संगत, कहिंदे ने मैनूं ओहदा स्वाद जरूर पहुंचदा है, मेरे कोल पहुंच जांदा है, क्योंकि मेरे विच ते संगत दे विच कोई भेद नहीं है, एकमिक होए आ असीं संगत दे नाल। करते चुरा बचने मकह देखो मुख मेरे मैं। कवि जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਣਕੇ ਨੇ ਨਾ ਆਹਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਕੇ ਚੁਰਾ ਦਿਖਾਵਣ ਕੀਨਾ, ਸਕਲ ਅਸਨ ਕੰਨ ਤਿਸਮੈ ਚੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੁਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਕਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕੇ ਸਨ। ਪਾਇਸ ਆਦਿਕ ਦੇਖਣ ਕਰੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਿਜ ਧਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਖੀਰ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਿਜ ਧਰੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਦੇ। ਆਪ ਅਚਾਵੈ ਅਚਵੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਸਭ ਕਟ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਅਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਭਾਵ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਵੈ ਆਪੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪ, ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਉਥਾਪੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਗਰੀ ਅੰਨ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਰਾਈ, ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਨ ਸੁਣਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੰਤਨ ਜਾੜਨ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜੋਈ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਕੀਨ ਦਿਖਾਵਣ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਹੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਿਧ ਤੂੰ ਬੋਧਵੰਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੇਰੋ ਇਹੀ ਮਤੰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਮਤੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤੰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੁਝ ਪਹੁੰਚੈ ਸਭ ਹੀ ਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਛਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੰਗਤ ਮੋ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕਰ ਬ੍ਰਿਧ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਮਹਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਤ ਤਰ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇਓ, ਸੁਜਾਸ ਵਿਸਾਲ ਕਰਤ ਫੁੱਲ ਸਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਅਧਿਕ ਬ੍ਰਿਧੀ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਈ ਬਡੇਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ। ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਈ ਬਡੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਮਹਿਦ ਵਿਸਤਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।
सतगुर नेम सदा निरबाह, जाम जामनी जागण काहे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने नेम दा सदा निर्वाह करदे ने, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा नेम सी के पहर रात रहिंदी दे नाल रोज उठदे सन। उठे क्रिया नित की कर सारी, करें सौच संग मृत का बारी। केंद्र ने के सतगुरु सच्चे पातशाह जी अमृत वेले जाके फिर केंद्र ने के सौच करदे सन, पाव के अपने आप नू पवित्र करदे सन। पुन मजें पहरें पट निर्मल, बैठे सतगुर होए एकंत थल। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उठ के इशनान पानी करके फिर सोने कपड़ियां नू पहन के फिर एकांत जगह दे उते बैठ जांदे सन। ब्रित टिकाए निज रूप मझारी, लेह आनंद तिस को हित कारी। अपने निज स्वरूप दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी बिरती नू टकाउंदे सन और उसे ही बिरती दा मानो के आनंद माणदे सन। पोर होत लो ब्रिति टिकावे, अब चल आनंद रूप होए जावे। जिन्ना चिर सवेर नहीं सी चढ़दी उन्ना चिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी समाधि लीन रहिंदे सन। जिहड़ा आनंद अब चल है, जिहड़ा कदे भी चलाए मान आनंद नहीं हुंदा, उसका रूप ही मानो सतगुरु जी बन जांदे सन। देवस चढ़े सिख होए समुदाय, दर्शन सेवह सुख को पाए। दिन चढ़न तो बाद बहुत सारे जिहड़े सिख सेवक ने वह सतगुरु सच्चे पातशाह जी का आण के सुखमई दर्शन करते सन। शब्द रबाबी गावन करें, संगत सहत सुने मुद तरें। इस तो इलावा रबाबी केंद्र के गुरबाणी के शब्दों का कीर्तन करते सन। संगत दे समेत सतगुरु सच्चे पातशाह जी भी खुशी दे नाल कीर्तन नू सुनिया करदे सन। किस तरह दा सतगुरां दा रोज दा नितनेम है, उस दी गल कर रहे ने कवि जी। चिरंकाल लग ठांडे रहे, किलक पीत मैं कर सो गह। कवि जी लिखदे ने के बहुता चिर तक सतगुरु सच्चे पातशाह जी खड़े रहिंदे सन अपने चुबारे दे उस कमरे दे विच, जिस चुबारे दी एक कंध दे विच किली गड्डी हुई सी। उस किली दा आसरा लैके सहारा लैके बहुत ज्यादा चिर तक सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी खड़े भी रहिंदे सन। महाब्रेद जीरन तन होए, तप को तपे पिखे सब कोए। कवि जी लिखते ने भावे सतगुरु सच्चे पातशाह जी का शरीर बहुत ज्यादा बिरद है, बहुत ज्यादा जर्जरा ते पुराना शरीर हो चुका है, पर तावे सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो के वड्डे तप नू तपदे ने, ते सारे लोग इस गल नू देखदे ने। देग सो त्यार होए है जब, संगत सहत अचे गुर तब। जदों लंगर दे विच प्रसाद पानी तैयार हुंदा है ते फिर सारी संगत दे समेत मिलके सतगुरु सच्चे पातशाह जी लंगर दे विच जांदे ने ते नित दी तरह ओगरा दलिया छकदे। एक दिन जागे प्रभु कृपाल, करी सोच मजे तिस काल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी अमृत वेले जागे ने और उन्होंने इशनान पानी करके अपने शरीर नू पवित्र कीता। हित दर्शन के तन जा पानी, पहुंची निकट भगत जेहे पानी। जिस तरह के कल दी कथा दे विच आया सी कि अमृत वेले जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी इशनान करदे सन, भावे उदों होर कोई सिख सेवक लागे नहीं सी हुंदा, पर पानी जी उस वेले भी सतगुरां दे हजूर पहुंच जांदे सन। हुण कवि जी उसे गल दा जिक्र करदे ने कि दर्शन करन दे वास्ते सतगुरां दी सपुत्री बीबी पानी उस वेले उत्थे पहुंच गई। निकट भगत जेहे पानी,
जिस दी भगती पाई है प्रवान हुई है गुरु जी नू, कवि जी कहंदे ने कि पानी उथे पहुंच गई। तब चौंकी पर सत गुर चरे, ध्यान तरन हित बैठब करे। सतगुरां ने इशनान पानी कीता है, ते फिर लकड़ दी बनी हुई एक चौंकी दे उते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैठ गए ने अपने ध्यान नू धारण करन दे वास्ते। दौन बिलोचन मुंदरत करके, अंतर मुखी वृति को तरके। सतगुरां ने अपने दोवें जिहड़े नेत्र सन उन्हां नू बंद कर लिया, ते फिर अंतर मुखी वृति दे धारने हो के बह गए। होए अडोल तब लाए सो ध्यान, शंभू समान गुरु भगवान। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि अडोल स्थिति दे विच ध्यान नू ला के उस लकड़ दी चौंकी दे उते सतगुरु जी नित वांग बह गए ने। इस तरह लगता है कि जिवें भगवान शिव जी ने समाधि लाई होवे। हो तो ही न चौंकी एक पावा, पेख पानी माने मठ रावा। सतगुरु जी समाधि लीन होके चौंकी ते बह गए। बीबी पानी जी लागे खड़े सन, उन्हां दा ध्यान जिहड़ा सी ना बीबी जी दा, ओ चौंकी दे एक पावे दे उत्ते गया, ते की देखिया कि ओ जिहड़ा चौंकी दा पावा है ना, ओ थोड़ा जिहा जमीन तों उच्चा है। कदे कदे हो जांदा है कि जेकर जमीन दे विच फर्श दे विच कोई उचार निवान होवे, ते एक जिहड़ी जगह ना मंजी दे आपां मान लो जां किसे भी चीज दी, ओ थोड़ी उच्ची हो जांदी है सबब दे नाल, फिर ओहदे थले थोड़ा बहुता आसरा देना पैंदा है तां कि डोले ने। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि पानी ने पावे नू देखिया, एक पावा थोड़ा जा जमीन तो उच्चा सी। हाल है पिता ए तो जब होई, चौंकी डोल जाए थित जोई। मन दे विच सोचन लगी बीबी पानी के जदों भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे शरीर दा थोड़ा जा झुकाव इस पासे होएगा ते चौंकी डोल जाएगी, क्योंकि पावा जमीन दे नाल पूरा छोया नहीं, ते इन्हां दा जिहड़ा समाधि लीन ध्यान है ना वो उचाट हो जाएगा। छोटा समाध आराध अगाधु, जिस हित जोगी जतन सो साधु। सोचदी है बीबी पानी के जिहड़ी इन्हां ने समाधि लाई हुई है वो समाधि टुट जाएगी, क्योंकि ये अकाल पुरख की आराधना दे विच लगे हुए ने, जिस अकाल पुरख की आराधना दे वास्ते वड्डे वड्डे जोगी बड़े वड्डे वड्डे यत्न करते हैं। परे वखे पत्यान के माही, बिरत या डोल टिके तब नाही। बीबी पानी जी ने सोचा कि ध्यान दे विच वखे पैदा हो जाएगा, पाव के ध्यान स्थिर नहीं रह सकेगा, डुलाव आ जाएगा, इस करके बिरती अडोल नहीं रहेगी, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी समाधि भंग हो जाएगी। अपर वस्त तह पाए न कोई, पावे तरे तरे हित जोई। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि लागे बने कोई भी ऐसी वस्तु नहीं सी के जेड़ी पावे दे थले बीबी दे देवे, ते पावा स्थिर हो जावे। चौं दिश द्रिगण चलाए निहारा, नहीं समीप जो देह आधारा। कवि जी कहंदे ने के चारे पासे अखां दे नाल चंगे तरीके दे नाल बीबी ने देखिया, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं उसनू दिसी के जेड़ी चीज चुक के ओ पावे दे थले अड़ेस दे वास्ते रख दे। उतलावत ने दीन सहाथ, नहीं डोले चौंकी ते साथ। बीबी ने सोचा कि जे मैं किधरे कुछ चीज लैण दे वास्ते गई के पावे दे थले लिया के कोई चीज रख दवा, हो सकदा है कि उन्ने चिर नू सतगुरां दे शरीर दा झुकाव इस पासे हो जाए, ते पावा हिल जाए, ते सतगुरु जी दी समाधि भंग हो जावे। इस करके काली दे नाल बीबी ने की कीता कि अपने हाथ नू ही चौंकी दे उस पावे दे थले रख देता। चौं पावे पर एक सम पार, होत पायो सब लीन सहार। मानो के फिर चारे ही पावियां दा जिहड़ा पार सी ना
एक समान हो गया। एक पावे का सारा भार हथेली दे उत्ते पै गया ते बाकी का भार जमीन दे उत्ते है तिना पावियां। तन स्त्री कर कोमल कर है पायो पार ते पीड़त तर है। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने क्योंकि स्त्री है और स्त्रियों के जिहड़े अंग ने ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਉ ਨ ਕਰ ਉਡ ਲਾਵਣ ਕਰ ਕੋ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਧੀਰ ਧਰ ਉਰ ਕੋ। पर तावी बीबी भानी ने अपने हाथ नू रता भी नहीं डुलाया, धीरे नू धारण करके बैठी रही उसे तक। पावा रहियो हथेरी गड के नहीं निकासत तेह थल छड के। बहुत ही देर हो गई, आखिरकार केंदने के पावा इस तरह हो गया कि जिवें हथेली दे विच गड्या गया होवे, खुब गया होवे। नहीं निकासत तेह छल छड के। पर तामी बीबी पानी ने अपना जरा हाथ सीना वो चौंकी दे पावे दे थल्यों नहीं कढ़े। पुरखण को दुष्तर बहु जोई भगत पिता की हित किया सोई। कवि जी लिखते ने कि अपने पिता गुरु दी जड़ी भगती हित दे नाल बीबी पानी ने कीती है, ए जड़ी भगती है ना मानो के कोई मनुख पुरख भी नहीं कर सकदा, जड़ा मानो के काम उन्होंने स्त्री रूप दे विच कीता। प्रात होत लग नाहन हाली मनो मूर्ति चित्र निकाले। क्योंकि कवि जी ने पिछे दस्या के अमृत वेले तो समाधि लीन हो के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बह जांदे सन, जिन्ना चिर दिन दा चढ़ा नहीं सी हुंदा उन्ना चिर बिरती दे विच अड़ोल रहिंदे सन। उसे तरह अज वी होया, कहिंदे ने कि प्रात होत लग नाहन हाले, प्रात होण दे तक सतगुरु सच्चे पातशाह जी समाधि लीन रहे ते बीबी पानी भी नहीं हिली, ओह भी उसे तरह बैठी रही। हुण कवि जी प्रमाण दिंदे ने कि किस तरह बैठी रही। मनो मूर्ति चित्र निकाले, इस तरह लगदा है कि जिवें किसे मूर्तिकार ने मूर्ति बना दित्ती होवे ते पत्थर दी बनी हुई मूर्ति कदे हिलदी नहीं है, अड़ोल रहिंदी है। इसे तरीके दे नाल मानो के मूर्ति दे वांग, एक स्टैचू दे वांग उसे तरीके दे नाल सवेर तक बैठी है। पूजा सुन कंधे लग पाई ਉਤਰਿਓ ਰੋਦਰ ਲਾਲ ਹੋਏ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਤਰਿਓ ਰੋਦਰ ਲਾਲ ਹੋਏ ਗਈ ਔਰ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਹਟਾਵਣ ਸਮੋਂ ਪਇਓ ਜਬ ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਬਿਗਸਤ ਪੇ ਤਬ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਬਿਗਸਤ ਪਏ ਤਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਬੈਠੀ ਸੁਤਾ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੀ ਬਹੁਰੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੂਜਾ ਪਰ ਡਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਗਈ। ਥੂਲ ਨਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਜਣ ਹਿਤ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਨ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਵੈਸੀ ਭੁਜ ਪਰ ਪੀੜਨ ਦੀਖਤ ਐਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਸੁਣ ਬੋਲੀ ਬੜ ਭਾਗਾ ਪਾਣੀ
पित जी पावे हीन पछानी। बीबी पानी ने अर्ज की, कह लगी सच्चे पातशाह देखो ये जड़े तुसी चौकी ते बैठे हो ना, इहदा एक पावा थोड़ा जा जमीन तो उच्चा सी ते मैं इस पावे दे थले अपना हाथ रखिया हुआ। निकट बिलोकन कछु ना कीन, या ते हाथ तरे मैं देन। कहिंदी है कि लागे कोई भी ऐसी चीज मैनू नहीं मिली के जड़ी मैं पावे दे थले रख देवां ते चौंकी ना डोले, इस करके काली दे नाल सच्चे पातशाह मैं अपना हाथी पावे दे थले रख दिता। डोले ते समाद छुट जाए, राखी या ते सथित टिकाए। बीबी पानी जी ने आख्या कि मैं सोचा कि जेकर चौंकी डोलेगी हिलेगी ते तुहाडी समाधि छुट जाएगी, इस करके मैं इस तरीके दे नाल चौंकी नूं टिका दे विच रखे। तब श्री सत गुर तारे उतर कै, हाथ निकास्यो प्रेम निहर कै। फिर काली दे नाल सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी उस चौंकी दे उत्तों थले उतरे ने, काली दे नाल प्रेम उस दे नूं देख के उहदा हथ उस पावे दे थल्लों कढ़िया। गरत है तेरी बिखे निहारा, कहीं ओ खेद बीबी के तारा। बीबी पानी दी हथेली दे विच मानो के लकड़ दा पावा बिलकुल खुब गया सी, गड्या गया सी। इस नूं देख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने, हे बीबी तू इन्ना कष्ट क्यों चले। पित जी हमारी मत अनजानी, होए न सके सेव गुण खानी। बीबी ने अर्ज की, हे सच्चे पातशाह साडी जिहड़ी मनुखां दी मत है ओ बहुत ही ज्यादा अणजाण है, सच्चे पातशाह हे गुणा दी खान तुहाडी सेवा असीं की कर सकदे। निस बासुर मैं रहत बसूरत, अहो आप परमेश्वर मूर्त। पावे के बीबी पानी जी बहुत सेवा करदे ने गुरु घर दी, पर फिर भी उह समझदे ने मैं सेवा नहीं करदे, मेरे तो उन्नी सेवा नहीं हुंदी जिन्नी मैं कर सकदे हां। रात दिन सेवा करदे ने, ते बीबी पानी जी कहिंदे ने मैं रात दिन बहुत ज्यादा झुरदी रहनी हां कि मैं परमेश्वर मूर्त सतगुरु दी सेवा नहीं कर सकदी। सफल नेत्र जे दर्शन करे, हाथ सफल टहल जो अनुसरे। बीबी पानी ने आख्या कि नेत्र तां सफल हुंदे ने जेकर गुरु जी दा उन्हां नेत्रां दे नाल दर्शन कीता जावे। कहिंदी है कि हाथ तां सफल हुंदे ने जे गुरु घर दी जां सतगुरु दी सेवा टहल कीती जावे। हृदय सफल जिम होए तुम बासो, चरण सफल तुम हित चल जासो। कहिंदी है कि हिरदा तां सफल हुंदा है जे उस हिरदे दे विच हे सच्चे पातशाह तुहाडा वासा होवे, ते कहिंदी है कि पैर तां सफल हुंदे ने जिन्हां पैरां दे नाल चल के तुहाडे तक अपड़िया जावे। सकल शरीर सफल बड़ पागे, जो रावर की सेवा लागे। बीबी पानी जी कहिंदे ने उस मनुख दा सारा शरीर सफल हुंदा है वड्डे भागां वाले दा जिहड़ा तुहाडी रता परवी सेवा दे विच लग जावे। सुन तन जाके बचन सुहाए, पिक दुत कर्म कीन जिस पाए। इस तरीके दियां गल्लां बीबी पानी जी दियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सुनिया। पिक दुष कर्म कीन जिस पाए, ते दूसरे पासे जिन्ना वड्डा औखा कम उसने कीता सी उस नूं भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने देखिया। होए प्रसन्न बर दयो सुजाना, संतत तेरी बदै महाना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने खुशी दे विच आण के फिर बीबी पानी जी नूं वरदान दिता, कहिंदे ने हे बीबी तेरी जिहड़ी संतान आ ना बहुत ज्यादा वधे। सकल जगत की होवै है पूज, जैसे चढ़े चंद्रमा दूज। कहिंदे ने के तेरी संतान दी मानो के पूजा जगत दे विच होवेगी, इस तरह पूजा होवेगी जिवें के दूज दे चंद्रमा नूं लोकी नमस्कारां करदे ने, इस तरीके दे नाल तेरी संतान दे विच होवे।
ਬਾੜੀ ਐਸ਼ਰਜ ਬਦੈ ਤਿਮ ਆਗੇ ਜੋ ਤਿਨ ਸੇਵੈ ਸੋ ਵਡ ਪਾਗੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੇ ਬਾਂਸ ਬਿਖੈ ਨਿਪ ਜੈ ਮਹਾਬਲੀ ਸੇ ਜਗ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਬਲੀ ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਗਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਾਮ ਹੈ ਆਪਣੋ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨਗੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੋ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਨੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਧਰਮ ਪੀਰੀ ਅਰ ਮੀਰੀ ਧਰੈ ਆਪ ਦੇ ਅਪਰ ਤਗੀਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਧਰੈ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣ ਤਗੀਰੀ, ਤਗੀਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਔਰ ਮੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਜਹ ਕਹਿ ਜੈਕਾਰੋ ਕਰੈ ਉਧਾਰਨ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਕਉ ਬੜ ਬੜੇ ਆਈ ਤੈ ਕਰ ਭਗਤੀ ਭਲੇ ਅਬ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੀਨੋ ਕਾਲ ਬਿਖੈ ਤੁਝ ਜੈਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜਗ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਕੰਤ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪੌਤਰ ਮਹੰਤ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਔਰ ਤੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी बैठे ते बीबी भानी जी दे सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी सपुत्र सन। फिर समा बदलिया, फिर सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी दी जगह दे उते सतगुरु हरगोबिंद सचे पातशाह जी बैठे ते ओ बीबी भानी जी दे पोतरे सन। जे इस तों भी अगे सोचा जावे ते नौवें सतगुरु सचे पातशाह जी सतगुरु हरगोबिंद सचे पातशाह जी दे सपुत्र सन। तेग बहादुर भी बीबी भानी दे पड़पोतरे दे रूप दे विच गुरियाई ते बैठे। ते फिर जे होर अगे जाया जावे ते सतगुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह जी सतगुरु तेग बहादुर दे सपुत्र सन ते ओ पड़पोतरे तों वी अगे हो गए। मेरा सिर्फ कहण तों पावे है कि सतगुरु अमरदास सचे पातशाह जी कहिंदे ने बीबी भानी तेरे वर्गा ना ही कदे कोई होया ना ही कदे होवेगा जिन्हों के इन्ना वड्डा माण हासिल होवेगा जिदा पिता गुरु जिदा पति गुरु जिदा पुत्र गुरु और जिदा पोतरा भी गुरु। इस तरीके दे नाल सतगुरु अमरदास सचे पातशाह जी बीबी भानी नूं वरदान दे रहे ने। सत संगत जी समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस कथा नूं अगे बयान करनगे मैं उस तरह सात संगत दे सामू खर्च करांगा। अगे जो सतगुरु सचे पातशाह जी दी रजा होवेगी उस तरह वरतेगी। अजिहियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी सात संगत तों खिमा दा अर्ज करां। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार हे संता कै सदा संग ने धाराया धार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम उन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम।